हेलो स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा था। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए थे, जिसके सभी आंसर्स लिखने थे, और चैप्टर में सारे साइंटिस्ट के नेम और उनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था उसकी टेबल आपको बनाने की। वो रिटर्न वर्क कम्प्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 11 है आपके सिलेबस में, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम इस यूनिट में दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसा कि नेम में है, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स और देयर प्रोसेसेस टू मेक द प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, मतलब ह्यूमन यूज के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी को ही बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ह्यूमन यूज के लिए, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिल्क से कर्ड बनाना, लैक्टोबैसिलस लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने यूज की, फर्मेंटेशन से उसने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया, तो ये बायोटेक्नोलॉजी हुई। ठीक है, फ्रूट जूस या शुगर से यीस्ट डालकर अल्कोहल का प्रोडक्शन करना, शुगर को यीस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर लिया और अल्कोहल ह्यूमन यूज के लिए प्रोडक्ट बना लिया, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज की जा सकती है, या फिर उसका कोई प्रोसेस या उसका कोई भी डीएनए का पार्ट भी हम यूज कर सकते हैं नए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं। उनमें एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, बहुत सारी चीजें हैं जो बन चुकी हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है। टर्म कार्ल रेकी ने दी थी बायोटेक्नोलॉजी, और फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है पोल बर्ग। बायोटेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें जीन्स को इधर उधर किया जाता है और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम कोर टेक्निक्स पढ़ेंगे। कोर टेक्निक का मतलब यह है, आप सिंपल भाषा में समझ लें, हमें डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन हार्मोन बनाना है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन नॉर्मली हमारी पैनक्रियाज में बनता है, जो ब्लड में आकर ब्लड की शुगर को डाउन करता है, नॉर्मल शुगर लेवल मेंटेन करता है। जिन ह्यूमंस में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता पैनक्रियाज के अंदर, उनमें ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है। उस ब्लड शुगर को डिक्रीज करने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है डायबिटीज के केस में। ठीक है, तो अब वो बाहर से जो इंसुलिन लाए हम, वो कहां से ले, क्योंकि तो इंसुलिन मैमल्स का हार्मोन है, तो वो इंसुलिन लेना पड़ेगा किसी मैमल से ही। हॉर्स है, पिग है, कोई भी और मैमल जिसके ब्लड में से, पहले तो हम ब्लड लें और उसमें से थोड़ा सा इंसुलिन निकलेगा, वो ह्यूमन में इंजेक्ट करें तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होगा, वो भी टेम्परेरी, बार बार उसको वैक्सीन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने ज्यादा ह्यूमंस जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए इतना ज्यादा इंसुलिन लाने के लिए कितने एनिमल्स की स्लॉटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले किया भी यही जाता था जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर दिया है देखें आप, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वही बायोटेक्नोलॉजी है। ईकोलाई एक बैक्टीरिया है सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला, उस ईकोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड डालते हैं। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था, मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए छोटा सा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है जो खुद की कॉपी खुद बना सकता है, क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोइड पर डिपेंड नहीं करता। उस प्लाज्मिड को ईकोलाई में से पहले निकालेंगे और उसको काट कर खोलेंगे, पहले जैसे सर्कुलर था खुल गया, और
ह्यूमन के पैंक्रियाज में से वो डीएनए निकालेंगे, वो डीएनए का पार्ट सेगमेंट निकालेंगे जो इंसुलिन को कोड करता है, मान लीजिए ये वो है। तो काटने के लिए जो एंजाइम है वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो डीएनए को काट के टुकड़े करता है, जीन्स को अलग अलग कर देता है। तो प्लाज्मिड को तो खोल दिया, इससे ये डीएनए आइसोलेट कर लिया और इस प्लाज्मिड में लगा दिया। अब ये प्लाज्मिड नॉर्मल डीएनए नहीं रहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आर डीएनए भी इसको बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई के अंदर वापस से डालते हैं, जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन की जीन भी चली गई है, ठीक है, उसको हम डिजायर्ड जीन या एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। अब इकोलाई में चला गया वो प्लाज्मिड, ठीक है। अब उस इकोलाई को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स देके मैक्सिमम ग्रोथ करे वो, तो इकोलाई बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करके एक से दो बनेगा, तो इकोलाई का न्यूक्लियोइड भी एक से दो बनेगा और इकोलाई के प्लाज्मिड भी मान लीजिए उस सेल में 10 थे तो 20 बनेंगे, ताकि 10-10 दोनों डॉटर सेल में चले जाए, ठीक है। अब 10-10 चले गए, 10 से 20 बने, इसका मतलब उस प्लाज्मिड ने खुद की कॉपी बनाई, खुद की कॉपी बनाई, उसमें हमारा जीन था उसकी भी 20 कॉपी बन गई, ठीक है। अब उन दो इकोलाई में जिसमें 10-10 कॉपी हमारे जीन की भी हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से इकोलाई अपनी प्रोटीन बनाएगा तो हमारे जीन के भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से इंसुलिन का फॉर्मेशन इकोलाई की सेल्स में बहुत स्मॉल अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है। लार्ज स्केल पे बड़े टैंकर्स में उस इकोलाई को ग्रो करेंगे, कुछ टाइम के लिए वो टैंकर पूरा इकोलाई से भर जाएगा, हर इकोलाई में हमारा जीन की कॉपी होगी, हर इकोलाई में इंसुलिन का स्मॉल अमाउंट भी होगा, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े कल्चर वेसल्स को हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। उन फर्मेंटर्स में से इस पूरे सॉल्यूशन को जिसमें इकोलाई प्रेजेंट है उसको क्रश करके और प्यूरिफिकेशन आइसोलेशन के प्रोसेस से हम इंसुलिन को अलग कर देते हैं, इकोलाई को डिस्कार्ड कर देते हैं। इस तरह हमने इकोलाई बैक्टीरिया को यूज करके ह्यूमंस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट इंसुलिन बना लिया, तो यही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, समझ गए आप। तो इकोलाई प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कोर टेक्निक क्या है, दो चीजें हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन पैनक्रियाज की सेल से निकाला और इकोलाई की सेल में डाला, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। और दूसरी कोर टेक्निक है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम जब उस सेल को जिसमें हमने अपनी डिजायर्ड डीएनए डाल दिया उस सेल को कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस में लैबोरेटरी में ग्रो करें, बाहर से कोई कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए, इन कंडीशंस को हम बोलते हैं स्टरलाइज्ड कंडीशंस, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस, उसमें ग्रो करना, ये है केमिकल इंजीनियरिंग। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों प्रॉपरली होंगी तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीन भी काट कर उसमें लगानी है, चिपकानी है, काटने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो लगाने वाला एंजाइम लाइगेज है, चिपकाने वाला एंजाइम लाइगेज है, समझे आप। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, और जिस ऑर्गेनिज्म में हमने वो डाला जैसे इकोलाई वो होगा कॉम्पिटेंट होस्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉम्पिटेंट होस्ट, डीएनए लाइगेज, और डीएनए की कॉपी बनानी हो तो डीएनए पॉलीमरेज भी अवेलेबल है, और उसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर वो प्लाज्मिड है जिसने हमारी पैनक्रियाज की जीन को इकोलाई में पहुंचा दिया, इसको हम व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं, वो व्हीकल है जिस पर चिपक कर हमारा डिजायर्ड जीन चला गया, ठीक है, समझे ना बायोटेक्नोलॉजी को। तो मेनली यही प्रोसेस है, दोनों ही चैप्टर में यही आएगा। तो आप पहले डेफिनेशन टर्म दी थी कार्ने रेके इन बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पॉल बर्ग है। कोर टेक्निक्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग आएगा। स्टेप्स, पहले डीएनए को आइसोलेट करना, प्लाज्मिड को भी आइसोलेट किया, फिर प्लाज्मिड और उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना, फिर दोनों को चिपकाना,
फिर उस बने हुए आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए को होस्ट में डालना, फिर उस होस्ट को लार्ज स्केल पर ग्रो करना और फिर उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, यही पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ग्रो करने के बाद बायोरिएक्टर में लास्ट में उस प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, तो यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, छोटे चैप्टर है, दोनों चैप्टर्स मिलकर 10 नंबर के आते हैं एनुअल एग्जाम में, तो आप बिल्कुल समझते हुए चलें। नोट्स में आपको भेज दूंगा, उसी तरह कॉपी करने आपको लिखने हैं, कोई काट छाट नहीं करनी है नोट्स में, वो पूरी लिखा करो आप, ठीक है। यहाँ पर समझने पर ज्यादा फोकस दें, तो हाउ टू मेक आर डीएनए कैसे बनाए, प्लाज्मिड लें, उस डिजायर डीएनए को लें, दोनों को रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से काटे और डीएनए लाइगेज से चिपका दें, चिपक कर बनने वाला जो डीएनए होगा वही आरडीएनए होगा, ऐसा डीएनए जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की जीन होती है उसको बोलते हैं आरडीएनए, ठीक है। अगली हेडिंग आई टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब बायोटेक्नोलॉजी करनी होगी तो हमें क्या क्या टूल चाहिए, तो पहला मैंने बता दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इनको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर सीजर्स या मोलिक्यूलर नाइफ, ठीक है। दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर, जिसको बोलते हैं व्हीकल डीएनए, यहां पर क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। कॉम्पिटेंट होस्ट जिसके अंदर वो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ई कोलाई था, और डीएनए लाइगेज एंड पॉलीमरेज, इसको डीएनए लाइगेज को हम बोलते हैं मोलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहां से इंसान के दिमाग में आया, किस चीज की डिस्कवरी से बड़ा डेवलपमेंट हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेन तो ये है, आप कुछ डेफिनेशन समझे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर द एंजाइम्स विच मेक कट एट इंटरनल स्पेसिफिक साइट्स इन डीएनए, ठीक है। डीएनए की स्पेसिफिक इंटरनल साइट पर कट करने वाले एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बोलते हैं। सेकंड, प्राइमरी डीएनए क्या होता है, द डीएनए विच कंटेन्स जीन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड प्राइमरी डीएनए। उसके बाद जीन क्लोनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट, प्लाज्मिड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लाज्मिड भी था जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम आया, प्लाज्मिड नहीं होता तो मुश्किल होता बायोटेक्नोलॉजी, हो ही नहीं पाता। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सेकंड, प्लाज्मिड हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी एंड फर्स्टली द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमेरियम बैक्टीरिया वाज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीमेरियम के प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया था, ठीक है। और इस प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है, मतलब ये हमारे डिजायर जीन को कैरी करता है, जिस ऑर्गेनिज्म में हमें ट्रांसफर करना है उसी में ये ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आप सुन लीजिए, फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर द एंजाइम्स विच मेक कट एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट्स ऑफ डीएनए। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर्ड वाज हिंद सेकेंड, इसकी फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी डी स्ट्रेन सेकेंड एंजाइम, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से,
तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अब तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की ये नेमिंग है, इसके रूल है, क्या क्या रूल है सुन लीजिए। रूल नंबर वन, द फर्स्ट अल्फाबेट विल बी फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिटन कैपिटल। दूसरा पॉइंट है सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिटन इन स्मॉल। नेक्स्ट है थर्ड लेटर रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन और वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। और फोर्थ पॉइंट है द रोमन नंबर विल रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड इन सेम लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो डिस्कवर किए जा रहे हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो चार रूल आपको लिखने हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के। अब तो 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर हो चुके हैं और वो सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम अलग अलग डीएनए को अलग अलग साइड से कट करते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने में बड़ी आसानी होती है। राइट, उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर या व्हीकल डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच इज यूज टू ट्रांसफर आवर डिजायर्ड जीन इन टू कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट ए गुड क्लोनिंग वेक्टर या फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लाज्मिड इज मोस्टली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर एंड एन आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर नेम इज PBR322। ये एक क्लोनिंग वेक्टर बना लिया गया है आर्टिफिशियली, जो ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है, जिसका नाम PBR322 है। यहाँ पर P का मतलब प्लाज्मिड है, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्स, 322 उसकी सीक्वेंस है। ठीक है, इस वेक्टर को बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर को। ओके, तो इसका डायग्राम और लेबलिंग आपको करनी है नोट्स में जो मैं सेंड करूंगा। क्लोनिंग वेक्टर या व्हीकल डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे गुड क्लोनिंग वेक्टर की, पहले मैं लिस्ट बता देता हूं, बाकी समझाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाई कॉपी नंबर, उस प्लाज्मिड का उस बैक्टीरिया में पर बैक्टीरियल सेल कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारी डिजायर्ड जीन की कॉपी भी ज्यादा बने और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बने। हाई कॉपी नंबर। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। थर्ड, देयर मस्ट बी कटिंग साइट्स फॉर सम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स इन दिस क्लोनिंग वेक्टर, ताकि हम काट के अपनी जीन उसमें डाल सके, तो कटिंग साइट भी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, द कटिंग साइट मस्ट बी प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का बड़ा रोल है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि किस सेल में तो हमारी जीन गई, किस में नहीं गई, उसको सेलेक्ट करने का एक मेथड होगा सेलेक्टेबल मार्कर, जो इस वेक्टर में ही प्रेजेंट भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स आप लिख लेंगे नोट्स में, मैं इन सभी का एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, तो यहां तक पर कंप्लीट है। जो नोट्स में भेजू वो आपको करने हैं, अच्छे से इसको समझे, नोट्स बनाकर दोबारा देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा आई से। ठीक है, तो दो चैप्टर अच्छे समझने के ही है, लर्न रटने का कुछ नहीं है, समझते चलेंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो यहां तक का आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको डिटेल में स्टडी करें। ओके, थैंक यू।